वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। जैसा कि स्टूडेंट आपको ध्यान है कि डीएसएसबी अपने एग्ज़ाम लिया था 5 अगस्त को, पीजीटी संस्कृत का, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन का और सोशियोलॉजी का। तो काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि संस्कृत और जो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की हिंदी एक जैसी थी, तो अपने हिंदी के बारे में बात करते हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। तो आपने एक बात और देखी, नोटिस की होगी कि जो 22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 29 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, जो 5 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, इसमें हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप तीनों पेपरों को एक बार रीड कर लीजिए, मैंने आंसर की बना दी है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी आपको मिल जाएगा, देख लीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट कहता है कि निम्नलिखित में से अ भाग के शब्दों को ब भाग के शब्दों से मिलाइए। तो एक तरफ तो जानवर दे रखे हैं, दूसरी तरफ जानवर के बच्चे दे रखे हैं। कहता है कि कौन से जानवर का बच्चा क्या कहलाता है। तो देखिए, कुत्ते का बच्चा अपने बहुत सारे आम शब्दों में यूज करते हैं, और कुत्ते के पिल्ले, तो कुत्ते का पिल्ला होता है। तो देखिए, क्या का कुत्ते का पिल्ला क्या होगा, कुत्ते का बच्चा पिल्ला कहलाता है, ठीक है। और गाय का बच्चा बछड़ा कहलाता है, भैंस का बच्चा पाडा कहलाता है, और हाथी का बच्चा कल्लब कहलाता है। तो अपने को ओनली कुत्ते के बच्चे से आंसर मिल रहा है। तो देखिए ओनली, देखिए किस ऑप्शन में एक का आंसर बड़ी ही है, तो ओनली इसी में एक का आंसर बड़ी है, बाकी में देखिए ए है, आ है, ए। तो ये सीधा सा सिंपल से अगर किसी को एक भी पता है ना, तो क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। दूसरा कहता है वाक्य में ने का प्रयोगकर्ता के साथ कब होता है। तो सेम टू सेम ये 62 क्वेश्चन है, अभी अपने 72 भी पढ़ेंगे, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि शब्दों में ने का प्रयोग होता है। तो आपको बताया तो वाक्य में, अभी देख 72 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि राम ने श्याम को छड़ी से मारा, राम ने श्याम को छड़ी से मारा, इट मीन्स भूतकाल में गया, ठीक है। और सकर्मक क्रिया, किसको मारा, श्याम को। तो जब क्रिया सकर्मक हो और क्या हो, भूतकाल में हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि धोबी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो धोबी शब्द का स्त्रीलिंग होगा धोबिन, ये भी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित अ भाग के ओ भ भाग से मिलाइए। तो भाई ये वाला क्वेश्चन जानवरों की आवाज़ों को 22 तारीख को भी आया था, 29 तारीख को भी आया था, और आज भी आ गया। और क्वेश्चन भी इन्होंने देखो चेंज नहीं किया, वही के वही जानवर दे रहा है, इतना बेवकूफ़ है DSSB वाला, वही क्वेश्चन उठा के दे रहा है। कहता है कि अब अपने को एक से भी पता चल जाएगा, ओनली मात्र एक से। तो ये देखिए, कहता है कि मेंढक टटराता है, मेंढक क्या कहता है, टटराता है। कहता है कि तीसरे का बड़ी ई आंसर किस में है, तीसरे का बड़ी ई आंसर किस में है। तो देखिए भाई, ओनली किस में है, पहले में है, किस में, पहले में। अब देखिए और भी चेक करना है, तो बकरी क्या कहती है, चौथे का आंसर ई, तो देखिए इसी में है और किसी में नहीं है। और हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है, पहले का आ बिल्कुल सही है, और दूसरे का मोर कुहकता है, तो ये भी सही है, तो पहला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए फिर कर्म बच्चे का आ गया, वहाँ पर भी वही एग्जांपल था, वहाँ नाम मोहन नहीं था, नाम कोई और था, एग्जांपल भी यही था, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्म बच्चे क्या है। तो मैंने आपको बताया था पढ़ी जाती है, या मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, या मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, जहाँ द्वारा से शब्द आते हैं और जो वाक्य सकर्मक क्रिया हो और उसके साथ से लगा हो, वो क्या होता है, मोस्टली कर्मवाच्य का एग्जांपल होता है। अगर यहाँ द्वारा लिखा जाता तो भी ये क्या होता है, द्वारा मतलब द्वारा ये वाला, तो भी ये किसका एग्जांपल होता है, कर्मवाच्य का। नेक्स्ट, किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से समानता के आधार पर तुलना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उपमा अलंकार। एक रूपक अलंकार होता है, एक उपमा, दोनों में कंपेरिजन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, कहता है कि तलवार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ये तो सिंपल सा एक प्रायवाची दे दिया, खड़ग, असी, कृपाण, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल किसके हैं, तलवार के, शर एग्जांपल नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जांपल 22 तारीख को था, 29 तारीख को था, अब भी ये एग्जांपल आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, आपको अगर एक भी पता चलता है ना, यात्रियों का, अब सिंपल सा अपने आम लाइफ में यूज करते हैं, यात्रियों का, यात्राओं का या यात्रियों का काफिला होता है, यात्रियों का काफिला होता है। अगर दूसरे का ऑप्शन देखिए ए कहाँ है, दूसरे का ए, तो दूसरे का आय आपको देखने को मिलेगा किस में, ओनली ए और बी में। उसके बाद कहता है कि क्या होता है, लताओं का, या कह सकते हैं कि वस्त्रों का गठड़ होता है। तीसरे का आ, तीसरे का आ कहाँ देखने को मिलेगा आपको, इस ऑप्शन में, ठीक है, इस ऑप्शन में, और कोई ऑप्शन सही नहीं है। और पहले का, लताओं का क्या होता है, लताओं का कुंज होता है, और फलों का गुच्छा होता है, आपने कहते हैं फलों का गुच्छा लिया। तो चौथे का ई किस में है, चौथे का बड़ी ई, ओनली सेकेंड नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
फिर कहता है कि मुहावरे दे रखे हैं, ये क्वेश्चन 29 तारीख को आया था, मुहावरे आई थिंक एक दो रिपीट हुए हैं। कहता है कि आग में घी डालना, आग में घी डालना क्या होता है, अपने बहुत बार यूज़ करते हैं कि किसी की गुस्से को और बढ़ाना। तो पहले का फोर्थ, पहले का बड़ी ई आंसर किस में है, पहले का बड़ी ओनली तीसरे में, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, घाट घाट का पानी पीना मतलब हर जगह का अनुभव एकत्रित करना, ढिंडोरा पीटना मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को प्रचार करना, दबे पावाना चुपचाप आना। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। ठीक है, इससे पहले आप एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट के पास पीजीटी सोशियोलॉजी का पेपर है तो प्लीज़ आप मुझे दे सकते हो पीडीएफ, क्योंकि मुझे चाहिए किसी के लिए। तो आप अगर किसी के पास है 95218 ठीक है 52000, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9521852000। तो आप मुझे यहाँ अगर किसी के पास है तो आप प्लीज़ उपलब्ध करा दीजिए। देखते हैं 70 क्वेश्चन। कहता है कि एक तरफ अपने को शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसका विलोम दे रखा है। तो बिल्कुल इजी विलोम शब्द हैं। ठीक है, सुलभ का क्या होता है, अपने एक ही पकड़ लीजिए, अगर आपको एक का आता है कृतज्ञ उपकार करना और कृतज्ञ उपकार भूल जाना। तो देखिए दूसरे का ई, दूसरे का छोटी ई आंसर किस में, ओनली सेकंड में, और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सुगम का क्या होता है, दुर्गम होता है। ठीक है, सुलभ का क्या होता है, दुर्लभ होता है, संयोग का वियोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं शुद्ध शब्द पहचानिए, मतलब जो वाक्य शुद्ध हो उसे बचाना। राम ग्रंथ पढ़ा, अब ये देखिए बिल्कुल गलत है, राम ने ग्रंथ पढ़ा, फिर तो कहता है राम ने पुस्तक पढ़े, यहाँ राम ने पुस्तक पढ़ी होता ये भी गलत है, राम पढ़ा ये भी गलत है, राम ने पुस्तक पढ़ी ये बिल्कुल सही है। अशुद्ध वाक्य पहचानना है, लड़के स्कूल गए ये तो शुद्ध वाक्य है, ये तो हो नहीं सकता। हम सामने बैठे ये भी लग रहा है कि हल्का सही, आगे और देखते हैं। लड़कियां घर से निकली ये भी सही है। मैंने कल बहुत सोया, ये देखिए तो देखने से पता चला इट मीन्स ये सही है, मैं कल बहुत सोया, मैंने कल बहुत सोया तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत है। उसके बाद कहता है कि एक तरफ अपने को वन वर्ड दे रखे हैं, दूसरा उसका आंसर दे रखा है। ठीक है, वन वर्ड का कहता है कि जो आकाश में चलता है, अब देखिए आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, नभ गगन अंबर, ठीक है अनंत। तो देखिए नभ क्या होगा, आकाश में चलता है, नभ और चर में चलने वाला, जो आकाश में चलता है, तो जो आकाश में चलता है क्या कहलाता है, नभचर कहलाता है। जो ईश्वर को मानता है आस्तिक कहलाता है, जो किसी का उपकार न मानने कृतज्ञ सही कहलाता है, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। तो कहने की जरूरत नहीं है, जो देख लीजिए जो इसके टच हो रहा है, जो आकाश में चलता है। तो एक का आंसर आ कहाँ है, एक का आंसर आपको आ कहाँ देखने वाला, इसी में मिलेगा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर 80 क्वेश्चन है, कहता है विज्ञान शब्द में वी क्या है। अब देखिए वी प्लस ज्ञान, ये वी क्या है, उपसर्ग है, और ज्ञान क्या है, इसका मूल शब्द है। तो वी उपसर्ग है, अगर पीछे लगता तो प्रत्यय हो गया, आगे लगता है वो शब्द क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। अब कहता है वन में वास इक्वल टू वनवास में कौन सा समास है। तो देखिए आपको पता है कि तत्पुरुष के जो भेद होते हैं वो कारक पे डिपेंड करते हैं, कर्ता ने कर्म को, कर्म में, तो मे लगा है वो तत्पुरुष पे होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका जो 62 नंबर एग्जांपल था वाक्य में, वाक्य ने में कर्ता का यूज कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था। तो देखिए राम ने श्याम को छड़ी से मारा, पहला भूतकाल है, किसको मारा आंसर आ रहा है, वो क्या होता है, वो सक्रमक क्रिया होती है, सक्रमक क्रिया प्लस भूतकाल में ने का यूज होता है मोस्टली। अब कहता है कि ये भी एग्जांपल था, तो पिछली बार था जो एग्जांपल था 22 तारीख को भी यही था, 29 तारीख को भी यही था, आज भी यही है, कहीं नहीं गई एग्जांपल। तब भी क्वेश्चन 78 था, अब भी क्वेश्चन 78 है, और आज भी 70 क्वेश्चन 8 है। तो कहता है राम ने श्याम को छड़ी से मारा, राम ने कर्ता ने छड़ी श्याम को, कर्म को छड़ी से, क्या कहते हैं, करण कारक द्वारा। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक तीनों यहाँ मिलेंगे देखने को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है, लड़कियाँ पढ़ती हैं, ये तो सिंपल सा वाक्य है। फिर कहता है गणेश इक्वल गण प्लस ईश इक्वल टू गणेश में कौन सी संधि है। तो आपको पता होगा दीर्घ संधि स्वर संधि का एग्जाम्पल है, स्वर संधि में यदि एक मात्रा लगी हो तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, गुण का, यदि दो मात्राएं लगी हो तो वृद्धि का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ एक मात्रा लगी है और ये एग्जाम्पल किसका होगा, गुण संधि का। नेक्स्ट, जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति जीव जंतु स्थान या भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे कहते हैं संज्ञा, क्या कहते हैं, संज्ञा। बहुत इजी क्वेश्चन, देने की जरूरत नहीं थी भाई, ठीक है ऐसे ही दे देता 20 नंबर सभी को। पिताजी पुस्तक लाए, यह वाक्य किस काल में है, पिताजी पुस्तक लाए यह वाक्य किस काल में है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, पिताजी पुस्तक लाए,
लाई इतना इतना पता है, लाई मतलब पास्ट में क्या चला, ना तो ये प्रेजेंट में होगा ना भविष्य में होगा। इट मीन्स अपने को आंसर तो किस में मिलेगा, भूतकाल में मिलेगा, पूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल। तो पिताजी पुस्तक लाए, इट मीन्स अभी अभी घटना घटी है, तो क्या होगा, सामान्य भूतकाल। ये थे हमारे कुछ हिंदी के क्वेश्चन 20, जिनके आंसर ये थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। और दूसरी बात आपको एक और है, जिसके पास सोशोलॉजी का पेपर है तो प्लीज़ सेंड करें मुझे अपने नंबर पर, ठीक है। धन्यवाद।